मंगल मूर्ति मंदिर वमा की मूर्ति बाप्पा चिंतामणि और लाल बकरा दर्शन करने के लिए तो अभी थोड़ी देर में जान के आएंगे। और भाई जो पुलिस की सिक्योरिटी है एकदम टाइट है, वो देखो चिंतामणि आ गए, देखो नहीं लाल बकरा आ गया। तो भाई बकरा दर्शन करेंगे अभी, बहुत भीड़ है देखो, ये रहा, ये रहा मुंबई का राजा। और अभी लाल बकरा राजा चिंतामणि अभी बाकी है तो थोड़ी देर में देख लेंगे, बहुत आगे आगे जाके लागे तो बने दे रहे यार। करेंगे लाल बाग का दर्शन, उसके बाद चिंतामणि और उसके बाद मुंबई का राजा। थोड़ी दूर से वो देखो आगे वो जो आपको बोर्ड दिख रहा है, बैनर दिख रहा है ना वहाँ पे। और मेरा किस करना है, मेरा फर्स्ट टाइम है मुंबई में, मुंबई दर्शन अभी पता नहीं। और लाल बकरा राजा और कितना दूर है वो भाई, मतलब सिक्योरिटी जो है ना भाई, पुलिस जो लगे ना काम पे एकदम खतरनाक। लाल बकरा राजा न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह सब कुछ है यहाँ से, और यहाँ से डायरेक्ट अंदर भी हो जाता है इन लोग को। मस्त है भाई, बहुत चल रही है अभी तक, गेट नहीं आए, रूम मेन गेट आए तब, पर यहाँ से सब वीआईपी का, सब वीआईपी लोगों का ही है, उनको पता नहीं ना अभी हम लोग कौन है, इसलिए हम लोग को ले रहे नहीं है, मारती लोग तो हम पकड़ से यहाँ से चलते भाई, और कितना दूर पता नहीं बट शायद लग रहा है नज़दीक ही होगा। मुख दर्शन लगता हम लोग को, गणपति बाप्पा का चेहरा ही देखने को मिलता। और यहाँ से आगे से ना पूरा मतलब गणपति बाप्पा का मूर्ति है ना वो दिखने का, वो दिखने के लिए मिलेगा। तो बॉर्डर से भी चलते, और भाई वो सिक्योरिटी है ना भाई एकदम तगड़ी है। तो अभी भी पता चले कि इस गली से हमें जाना है, और इस गली से जाते वक्त हमें गणपति जी के दर्शन पानी देना भाई। अरे भाई ब्लॉग ही नहीं बने दे रहे आज, क्या इतना अच्छा माहौल बना है गणपति जी का। लाल बकरा राजा देखने के लिए आए, मैं पहली बार आया हूँ और इन दोनों को पता नहीं क्या, कुछ भी देखता है, कुछ भी देखता है मतलब। अब लाल बाग के लिए जा रहे हो तो आपको ये देखो ये मंडप पड़ेगा, और यहाँ का गणपति ना भाई, ओ शिट 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 शिट, ओ भाई साहब। बहुत बड़े बड़े मूर्ति है और हमारे बदलापुरम पर रहते इतने इतने मूर्ति आते भाई, मतलब ना यार मुंबई में आके ना बस जो मुंबई में है उसका दिन सफल, और जो गणपति के लिए खास आया उसका दिन तो सफल, उसका पूरा जीवन सफल भाई। बहुत बड़े बड़े मूर्ति, और धूप तो इतनी आई है ना आज, मतलब जाने तो अभी लाल बाग का राजा बस 5-10 मिनट के रास्ते में फटक से जाते और दर्शन लेके आते। जितने इनका जो सब प्रिपरेशन वगैरह डेकोरेशन वगैरह ना वो इतना ठीक ठाक है, बट हमारे यहाँ पे डेकोरेशन ना बहुत तगड़ा वाला था, इतना सिर्फ इनकी मूर्ति अच्छी रही थी। हाँ ना भाई, बदलापुर अंबरनाथ किधर, मुंबई किधर, किधर वहाँ से चुरे के आते हैं, वो लाइन पता नहीं बड़ा भी नज़दीक ही है भाई, रहा नहीं जा रहा है नहीं यार गाइस, पकड़ हो गया और आगे से भाई, जैसा हमारा बदलापुर है ना वैसा इनका सीन भाई। क्या है यार मुंबई में छोड़ते, मुंबई में भी इडली वाला परेशान कर रहे हैं, बदलापुर में कम परेशान करने वाले थे इडली वाले। यहाँ पे भी लाइन लगी भाई, कितने सारे भक्त है भाई, महाराष्ट्र है ना ये, इधर की इधर कितना राउंड हो गया मेरे को नहीं पता भाई, वरना बहुत चला आज में, बहुत चला है। और मुझे घर जाते 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 ना शाम होने वाली है, ये पक्का है, इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग गलती से एग्जिट से घुस गए थे। और ये देखो ये रहा उसका स्वागत, स्वागत है ठीक है। हाँ फैन भाई, इसकी बहुत ज़रूरत थी मुझे, ये जो फैन लगा है ना ये एक नंबर काम गया भाई, मुझे ये ज़्यादा पसंद है, उठ के रुकता हूँ फैन के नीचे। अभी देखो कुछ लाइन भी कुछ नहीं है, और सिर्फ जैसे सीधा सीधा जाना है
और गणपति बप्पा के दर्शन करके और फिर से थोड़ा सा घूम फिर के फिर घर पे जाने। वैसे भी हम लोग को आज शाम होने ही वाली है। ब्लॉगर को क्या चाहिए, कंटेंट ही चाहिए। और ये तो कंटेंट हमें गणपति बप्पा ने दे दिया है। और देखो ट्रैफिक देखो भाई, मतलब ना हर हर इधर अपना क्या रखता है सिग्नल लगता है। और ये भोंगा तो बजता रहता है, भोंगा में तो जानवर है मराठी का। तो जितना घूम के आते ना एग्जिट से उतना फिर से हमें चलना है। वो देखो उधर से है ना, हम लोग फिर से हम लोग को राउंड मार के उधर ही आने का है। वहाँ पे अभी इतनी बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है। यहाँ पे हम लोग को एक दो घंटे जाने वाले हैं। अभी हमें यहाँ पे एक घंटा हो चुका है और अभी हमें लास्ट लाइन में, मतलब देखो तीन लाइन है, एक दो और ये तीसरी, और अभी हम तीसरी लाइन में। और यहाँ से सीधा से जाएंगे ना अब गणपति जी के दर्शन होंगे। अभी हमें एक घंटा हो गया यहाँ पे आके, मतलब हम लोग आए थे 10 बजे और अभी बजे 11:30, तो मतलब 1.5 घंटा हो गया। तो बस अभी थोड़ी लाइन बाकी है, बस थोड़ी देर के बाद हमें गणपति जी के दर्शन हो जाएंगे। तो लाल बाग का राजा ना मुंबई का मेन, उसके दर्शन हो जाएंगे। फाइनली यार फाइनली हम लोग को अंदर छोड़ दे, बाकी हाथ मे बाकी है ठीक है, और थोड़ा सा ही बाकी है। पर जो मेन लाइन थी ना जिसको क्रॉस करा था वो हो गए भाई, इतना अभी ठंडा ठंडा लग रहा है ना। और यहाँ से व्यू देखो भाई, गर्मी देखो, ये फैन लगे इसलिए बहुत ठंडा ठंडा ठीक है। तो अभी बस थोड़ी दूर में आ जाएगा हमारा लाल बाग का राजा, मुंबई का राजा। इतने रे पुढे अजून तो चलिए फाइनली अभी हम तो ऊपर तो आ गए भाई। सब हमने जो नीचे जो ट्रैवल के ट्रैवल मतलब जो हमने नीचे से ऊपर आए ना एकदम खतरनाक लेवल पे। और देखो हमें एक कप चाय भी मिल गई यहाँ पे और बस दो बिस्किट के पेड़। और हम लोग जो आए ना वो देखो वहाँ से लेके वो स्टार्ट था और यहाँ से पूरा घूम फिर के हम लोग यहाँ तक आए। मतलब अभी और यहाँ से और आगे जाना है, अभी मालूम नहीं कितना आगे जाना है। और यहाँ पे अभी तक भीड़ बढ़ती जा रही है, मतलब जैसे जैसे शाम हो रही है ना वैसे वैसे भीड़ बढ़ रही है। वो देखो हम लोग वहाँ से ही आए थे, मतलब यहाँ से लेके हम लोग वहाँ यहाँ तक आए। अब सोचो भाई कितना स्ट्रगल, इसलिए से मुंबई बोलते हैं। अभी बाहर तो निकल गए और ये देखो बाहर देखो कितनी भीड़ है, मतलब वहाँ से लेके लाइन थी और नीचे भी लाइन है। तो अभी थोड़ी देर में हमारे लाल बाग के दर्शन हो जाएंगे। और वो देखो वहाँ पे पीछे भी देखो, इसके पीछे और बड़ी लाइन है और हमारी लाइन देखो उधर आगे तक है। यहाँ से हमें चलती फूल भी इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ से जो लोग आते हैं ना उन लोग का दर्शन हो गया, हमारा दर्शन बाकी। हम लोग ने अभी फूल लिया, ये फूल अभी हम लोग अर्पण करेंगे ठीक है। और वहाँ पे देखो खाने के स्टॉल वगैरह, भाई जैसे हमारा दर्शन हो गया ना वैसे लोग मैं बहुत खाने वाला हूँ ना, मुझे बहुत खाने वाली भूख भी लगता हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया।
इकड़ उनका लाइने भी लगाइए का। ये देखो भाई जी, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये लाइन ये सिर्फ आपको सिर्फ मुख दर्शन देगी, मतलब आपको सिर्फ भगवान का चेहरा और सिर्फ बॉडी देखने को मिलेगी। और हमारी जो लाइन है ना वो एकदम डायरेक्ट गणपति जी के पास जाने वाली है। मतलब देखो गणपति जी के भक्त देखो कितने सारे, मतलब भाई पूरा मुंबई भर गया यहाँ से। देखो इस भीड़ देखो कितने सारे, मतलब यहाँ से दो दो लाइन बना रहे, मतलब वहाँ से भी लोग आ रहे, देखो यहाँ से भी लोग आ रहे और हमारे भी लाइन है। और मतलब ये जो नीचे खड़े हैं ना, ये मालूम नहीं कौन से लाइन से आगे, पर हमारी जो लाइन है वो एकदम परफेक्ट है। और भाई मतलब दो दो लाइन है और कितना टाइम लगेगा क्या मालूम। देखो इस भीड़ देखो मतलब ये भीड़ इतनी जमा हो गई थी ना, लोग मतलब पूरा हकाल रहे। देखो जो वॉलेंटियर्स है ना भाई, चलो फटाफट, मतलब गर्दी नहीं होनी चाहिए ना, मतलब गर्दी हो गई तो और फिर प्रॉब्लम हो जाएगा उन लोग को। देखो पुलिस वाले भी आ रहे हैं उधर से, मतलब क्या चल कह रहा है यार। ये देखो ये मेरे को तो एक ही अंकल पुलिस वाले दिख रहे हैं, आपको दिखाता जूम करके। ये देखो ये एक ही पुलिस वाले अंकल है वो जो हटा रहे सब, मतलब भाई लोग भी इतने ज्ञानी है ना, मतलब पुलिस वालों के सुनने के ही नहीं है। वो देखो बेचारे अंकल कितने सारे जन को संभाल रहे, सल्यूट है यार अंकल आपको, सल्यूट है। ये सब ठीक है बट हमारा नंबर कब आएगा वो नहीं पता। तेरा क्यूट सा है लुक भोला भाला, बापा ऐसे आना कभी वापस ना जाना, आओ सारे मिलके गाए बापा वाला गाना।